सर जी नमस्ते। मलखान भाई, आज आपके यहाँ गोटे गांव पे हम आश्रम में आए हुए हैं सर, और चूंकि आपने कुछ दिन पहले मुझे वीडियो भेजी थी और ये मुनगा के बारे में दिया था कि आपके यहाँ फलाव चल रहा है और सक्सेना जी आपके यहाँ का दिया हुआ बीज है ये, तो मैं जिज्ञासा और उत्सुकतावश मैंने कहा चलो मलखान भैया से मिलते हैं। तो आज हम गोटे गांव में हैं, तो आपको क्या स्थिति दिख रही है? सर स्थिति तो बढ़िया है सर जी। और इसी के लिए आपको इनवाइट किया है कि आइए सर, वेलकम है आपका। जी जी। कुछ जी। और जानकारी, आपसे मैंने जो बीज लिए थे हाँ हाँ, उनको मैंने लगाया जी, और अब ये उनकी पोजीशन है, फल दे रहे हैं जी। एक पौधे में 7 से 10 केजी फल अनुमान है मेरा जी। ये कौन से? हाँ हाँ, बढ़िया है सर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये माल की क्वालिटी है। यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप, जैसा मैं बताऊं आपको कि मध्य प्रदेश में अपने यहाँ किसानों को, खास करके ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर किसानों के मन में ये धारणा बैठी हुई है कि मुनगा की फली यहाँ पैदा नहीं हो पाती क्योंकि जमीन भारी है और पानी ज़्यादा गिरता है जी। तो चूंकि आपने ये पैदावार ली है, तो आप अपना कुछ अनुभव बताएं इस बारे में। सर सोचना और करना में थोड़ा अंतर है, मेरे मन में भी यही था, लेकिन जो हमारे मालिक हैं मिस्टर आर के केजरीवाल जी, हैदराबाद से हैं वो जी जी, यहाँ पे मैं उनको सुपरविजन देखता हूँ जी। उनका मन हुआ कि नहीं मुरुंगा लगाना है हाँ हाँ, तो मालिक का आदेश हुआ, मैंने कार्रवाई की, आज मैंने ईमानदारी से काम किया तो रिजल्ट सामने है सर, बढ़िया सक्सेस हुआ सर। बिल्कुल बढ़िया सक्सेस हुआ, और जितने भी डाउट थे, भ्रांतियाँ थी, वो सारी दूर हो गई। सारी दूर हो गई जी हाँ जी हाँ। चलिए, बीच बीच में तो आपका मेरे को फोन भी आता रहता था गाइडेंस के लिए, अपन जी मिले जुले चल ही रहे हैं पिछले 2-3 साल से। यस सर। बाकी ये माल की क्वालिटी और ये सब देखते हुए अब आगे की प्लानिंग आपका, ये कितना एरिया है अभी? सर अभी 2 एकड़ में लगा है। 2 एकड़ है, और केजरीवाल जी के साथ चर्चा करके अब कितना और एरिया बढ़ाने का मन विचार बन रहा है? 2 एकड़ और प्लस करेंगे। 2 और प्लस करेंगे। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। को मार्केट में क्या मिल रहा है अंदाज से? लोकल मार्केट में तो रेट कम है सर, अभी आज मेरी जबलपुर बात हुआ है जी, वो 35 से 40 रुपया केजी बल्क में बोल रहे हैं जी, तो वहाँ पे प्लान कर रहा हूँ मैं 1-2 रोज में फ्राइडे तक माल भिजवाऊंगा जी, और वहाँ के मार्केट का आइडिया लूंगा। अभी लोकल गोटे गांव का मार्केट जो है 10 रुपया 15 रुपया, कंजम्पशन नहीं है ना यहाँ, खपत नहीं है, इसलिए यहाँ माल ज्यादा भेज दो तो रेट कम हो जाते हैं। जबलपुर देखिए आप और भोपाल भी देखिए, माल की जो क्वालिटी है, ये जो आपका माल निकल रहा है सर, ये भोपाल के हिसाब से बहुत बढ़िया माल है सर। तो आप बिल्कुल भोपाल मार्केट भी ट्राई करिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थिति दिख रही है अभी आपकी, 100-150 किलो जो आप कह रहे हैं रोज का निकल रहा है जी, यदि पूरा माल निकालते हैं, मतलब कुछ माल आपने थोड़ा मोटा है इसलिए आपने छोड़ भी दिया जी, उसको भी मार्केट के हिसाब से देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 200-250 किलो से कम माल आज की तारीख में है नहीं जी। और आप इसको भोपाल भी भेजिए और जबलपुर भी भेजिए जी सर। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो आता है वो आता है, अपनी जगह है वो तो, लेकिन अपने को यदि रेट अच्छे मिलते हैं, भोपाल मार्केट भी मेरे ख्याल से पता करना शायद 45-50 के आसपास ही चल रहा होगा, यदि ऐसा है तो कुछ माल आप एक दिन 2 दिन जबलपुर भेजो, फिर उसके बाद 1 या 2 दिन भोपाल भेजो, ऐसा ऑल्टरनेट चलने दो, तो माल निकलता भी रहेगा। और एक खास बात क्या है मुनगा में कि आप जितना ज्यादा माल तोड़ोगे उतने ज्यादा पीछे से फूल आएंगे और फल बनना चालू होंगे, यदि आप माल छोड़ दोगे हाँ, तो पीछे फूल का ब्लॉक हो जाता है, पीछे से फूल भी आना कम हो जाता है जी। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करिए और आगे बढ़िए। और मध्य प्रदेश के किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे मुनगा के बारे में? सर मध्य प्रदेश में किसानों के लिए तो मेरा यही है कि जिनके पास सिंचाई के कम साधन है या खेती में जिनको लाभ नहीं मिल रहा है जी, वो एक बार कम से कम एरिया में मुरंगा की खेती अपनाएं जी, दूसरी फसलों के अपेक्षा ज्यादा लाभ है मुरंगा की खेती से, रख रखाव कम है, मेंटेनेंस कम है और आमदनी अच्छी है। दूसरा मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि क्योंकि लोगों में धारणा यह है कि सब यहाँ नहीं होता, तो सबसे पहली बात तो यह है कि खुद करें और करके देखें, किसी और के कहने में ना आए। और किसी और कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने लगाया, मेंटेन नहीं कर पाया, या अपनी तरफ से ध्यान नहीं दे पाया, या उसने ये बोला कि अरे साहब ये फसल तो बेकार है, मैंने तो लगा के छोड़ दी है, आप तो रहने दो, कहाँ उलझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो हैं आप खुद स्वयं करें, करके रिजल्ट देखें और फिर उसके बाद आगे बढ़े। आपके सामने यहाँ पे केजरीवाल जी के फार्म पे मलखान भैया का उदाहरण सामने है, और इसी उद्देश्य से मैं हमारे मित्र यहाँ पे हमारे साथ आए हुए हैं, मारुति भैया बरेली से, बाड़ी बरेली से मारुति भैया आए हुए हैं, इनका भी विचार है लगाने का बरेली में, और इनको खास इनका पूरा प्रोग्राम मैंने चेंज करके साथ में इसीलिए लेके आया कि आप अपनी आंखों से चल के देखो कि प्लॉट पे प्रोडक्शन कैसे मिलता है, क्योंकि ये कुछ कुछ इनके एरिया में भी इस तरह की बातें चल रही हैं
कि सब मुनगा लगता नहीं है, होता नहीं है, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा आंखों देखी बात सबसे सही है, इसलिए इनको लेकर आया। बताइए मारुति भैया, क्या लगा आपको मुनगा मध्य प्रदेश में सक्सेस है? इसको देख के तो लगता है कि कहीं भी हो सकता है मुनगा, कहीं भी हो सकता है। बस मेंटेनेंस और अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, मेंटेनेंस और व्यवस्था होनी चाहिए, और व्यक्ति की लगन होनी चाहिए, जैसी मलखान भैया की लगन है, उन्होंने काम किया। इसकी आपने कटिंग मलखान भैया कब करी थी? जनवरी महीने, जनवरी महीने में करी थी। और उसके कितने महीने में आपको प्रोडक्शन ये चालू हो गया? ढाई से तीन महीने बाद, ढाई से तीन महीने में माल निकलना चालू हो गया। यस सर, तो ये एक सबसे खास बात है अपने किसानों के लिए कि जब भी आप कटिंग करोगे उसके ढाई से तीन महीने के अंदर आपको प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। मारुति भैया क्या विचार हैं आपके अब? वो तो ये मुनगा देख के लगता है कि अभी जल्दी से जल्दी लगा ले। नहीं बिल्कुल, आप लगाइए इसको। और एक चीज और मैं सलाह दूंगा जी, देखिए मलखान भैया के साथ तो दूसरी मजबूरी ये थी कि इनका ये प्लॉट, मैं थोड़ी हिस्ट्री बता दूं, प्लॉट लगा हुआ था और लगने के बाद फिर किसी बस कारणवश ध्यान नहीं दे पाए, तो वो जो है उसी को मेंटेन करने में लगे थे। आज माल इनका मान लीजिए 100-150 किलो की जगह यदि ये माल 1-2 टन निकल रहा होता तो इनको बेचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आज 150 किलो माल बेचने में इनको दिक्कत आ रही है क्योंकि गोटेगांव मार्केट है नहीं, 50-100 किलो बिक गया होते फिर 4 दिन के लिए माल नहीं मिलता, जरूरत पड़नी पड़ती मार्केट में। तो एरिया इतना रखो कि अपने पास 1-2 टन माल, 3 टन माल जब भी निकले तो आप बड़े मार्केट में बेच सको। जैसे बरेली है आपकी, तो आपके लिए जबलपुर भी है, भोपाल भी है, तो इसी हिसाब से आप एरिया की प्लानिंग करना है ना, क्योंकि मलखान भी है भी उसी हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। 2 एकड़ का ऑलरेडी रकबा है, 2 का और बढ़ाने वाले हैं, है ना। बहुत अच्छी फसल है सर, बहुत अच्छी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मारुति भैया, यहाँ आप आए और देखा सारी चीज़ें और आप इसके इच्छुक हो गए, और श्रेय तो सारा जाता है मलखान भैया की मेहनत को। मलखान भैया बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर। और बिल्कुल अपन संपर्क में रहेंगे, और इसी तरह आप इसको एरिया बढ़ाइए इसका, मैं आपको गाइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना जी सर। और ये माल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अभी अपने को क्या स्प्रे करना है और क्या करना है वो भी मैं आपको अभी नोट करके दे दूंगा, है ना जी सर। अच्छा मलखान भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा जी, मारुति भैया नमस्कार जी।